नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री जी की कथा सुनने मात्र से ही दोस्तों वर्षों पुराना सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। हमारे चारों ओर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बरसना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप इस कथा वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। नवरात्र के दिन माता शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता शक्ति अपने भक्तों द्वारा इस 9 दिनों में अलग अलग तरह से उपाय, व्रत, पूजा आदि से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के हर दुख को हर लेती है। और दोस्तों, माता शक्ति ही वो देवी है जो अपने भक्तों के जो पिछले जन्म के पाप भी होते हैं उनको भी माफ़ करके इस जन्म में सुख समृद्धि का वरदान देती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। दोस्तों, हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय अडिग और अमर है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब हम माता शैलपुत्री जी की कथा जो सुनाने जा रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ शैलपुत्री जी लिखकर हमें भेज दें। माता शैलपुत्री जी को सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, प्रजापति राजा दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ करने से पहले राजा ने सभी देवी देवताओं राजाओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को भी निमंत्रण भेज दिया। लेकिन प्रजापति राजा दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवी सती माता शैलपुत्री जी हैं तो वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। शिव जी का कहना भी सही था, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं था। लेकिन माता सती जी बेचैन थी, सती जी नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती नहीं मानती देखकर सती जी के ना मानने की वजह से ही शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उनको अनुमति दे दी। दोस्तों, जब माता शैलपुत्री जी यानी कि सती जी जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। माता सती ध्यानपूर्वक देख रही थी, सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह और प्रेम से गले लगाया। माता सती जी को लगा कि सभी लोग उन्हें अनदेखा कर रहे हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ है। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव जी को तिरस्कृत कर रही थी, यानी कि भगवान शिव जी का अपमान कर रही थी। स्वयं प्रजापति राजा दक्ष ने भी अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जब अपने साथ दुर्व्यवहार और अपमान होता देखकर साथ साथ अपने पति भगवान भोलेनाथ शिव जी का भी
जो अपमान देखकर, ऐसा व्यवहार देखकर माता सती जी दुखी हो गई। अपना और अपना पति का अपमान माँ शैलपुत्री यानी कि सती जी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अगले ही पल वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं राजा प्रजापति दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में, जो यज्ञ प्रजापति राजा दक्ष कर रहा था, जो हवन कुंड राजा दक्ष ने बनाया हुआ था, उसी कुंड में माता सती जी ने खुद को स्वाहा कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव जी को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान भोलेनाथ शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती जी ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। दोस्तों, माता शैलपुत्री जी जो है उनका नाम पार्वती जी भी है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बेहद ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री जी की कथा जो अभी आपने सुनी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ शैलपुत्री, जय हिमालय पुत्री भी आप लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होती। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ सती जी।